अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाने के आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो हमारे VIP सिग्नल्स ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपके लिए जो है वेव ऑफ हो जाएगी। इस ग्रुप में बाय द वे हम बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को या अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को। उसके साथ साथ जो हमारी कंसल्टेंसी ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी आपके लिए वेव ऑफ हो जाएगी। रोज 1 घंटे हम रात को कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ और उनके साथ जो है वो अगले दिन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं और अपनी टॉपिक्स जो है वो शेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट की गाइडेंस आपको 24/7 अवेलेबल होगी। उनकी एक्सपर्टीज से आप फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी हमारी टीम आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एडवाइसेज वगैरह ऑफर कर रही होगी और आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं ये भी आपको बताया जा रहा होगा। और हमारी रिसर्च टीम का जो आइडियल पोर्टफोलियो है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके अभी हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, बाय द वे, इस वीडियो की शुरुआत हम KC 100 के जो है वीकली चार्ट के साथ करते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है हमारा, जो अभी तक मूवमेंट रही है उसको हम जो है वो रिकैप करेंगे और उसके बिहाफ पे आने वाले सेशंस के अंदर किस तरीके की मूवमेंट नजर आ सकती है उसको प्रेडिक्ट करने की, उसको एंटिसिपेट करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा, बाय द वे, जो चार्ट्स पे एक चीज नजर आ रही है हमें वो ये नजर आ रही है, ये बाय द वे पहले भी आपके साथ शेयर किया जा चुका है कि चार्ट्स पे जो है वो कप एंड हैंडल की भी फॉर्मेशन थी। बाय द वे जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है प्लस बुलिश फ्लैग की भी फॉर्मेशन थी। कप एंड हैंडल का टारगेट था बाय द वे 59,750 का, वो अचीव हो गया था। प्लस जो लास्ट वीक आपके साथ शेयर करा गया था बुलिश फ्लैग का टारगेट ऑलमोस्ट 63,000 के लेवल्स के करीब का था, वो भी आपका जो है वो हिट हो चुका है। इस दौरान, इस रैली के दरमियान इंडेक्स को काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का सामना करना था, जिसमें सबसे पहली रेजिस्टेंस होनी थी आपकी 49,400 की लेवल, जो आपकी पोस्ट कोविड रैली का आया था। उसके बाद आपकी जो अगली रेजिस्टेंस होनी थी बहुत क्रूशल, वो 53,000 का लेवल होना था। बाय द वे जो आपकी 2017 वाली रैली का आया था, उसके बाद इंडेक्स के पास जो जो रेंज थी वो काफी क्लीन थी अंटिल दिस असेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट 59,000 के लेवल्स के करीब, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलनी थी इंडेक्स को लेकिन नहीं मिली। इंडेक्स ने बहुत बुलिश प्राइस एक्शन के साथ जो है वो इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा और उसके बाद अपने कप एंड हैंडल के टारगेट को भी हिट करा और बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट को भी हिट करा। अब इंडेक्स लास्ट वीक में कुछ डेवलपमेंट बेसिकली ये हुई है कि लास्ट वीक में मार्केट ने ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट से रैली कराया अपने इस टारगेट को हिट करके, ऑलमोस्ट 63,200 के लेवल्स के करीब आके जो है वो क्लोज करा है। तो जो व्यू है हमारा बुलिश वो इंटैक्ट है क्योंकि प्राइस एक्शन पे अभी तक कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि 66,500 के लेवल्स के करीब इंडेक्स की जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा नोटिस करिएगा इंडेक्स को, थोड़ा सा जो है वो ऑब्जर्व करिएगा कि अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करती है तो हो सकता है फिर यहाँ पे एग्जॉशन वगैरह शो करे, थोड़ा सा करेक्ट करे, थोड़ा सा जो है वो कंसोलिडेट करे क्योंकि एक बबल तक क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर। तो यहाँ से फिलहाल वी कैन एंटिसिपेट अगर मार्केट फंसती है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद फिर अगर इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो करेगी, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही है तो इस पर नजर जरूर रखनी है हमने। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स के चार्ट पे चलें तो ड्यूरिंग द वीक भी आपके साथ मल्टीपल टाइम्स ही डिस्कस किया जा चुका था कि आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा एक असेंडिंग चैनल बन रहा था और क्रूशियल कंसोलिडेशन हुई थी हमारी यहाँ पे, जो हमने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर गया था किया था 2 हफ्ते पहले फ्राइडे को, कि मार्केट का 61,000 का लेवल जो है वो काफी क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बुलिश रैली हम नोटिस कर सकते हैं और जो रेजिस्टेंस होगी हमारी वो इस असेंडिंग चैनल की का टॉप होगा। तो बेसिकली जब मार्केट ने 61,000 को ब्रेक करा तो बाय द वे उसके बाद जो रैली पोस्ट करी है मार्केट ने वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स की जो है वो रैली पोस्ट करी है। इनिशियली यहाँ से रेजिस्ट करा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रेजिस्ट करा, लेकिन उसको जब ब्रेक करा तो फिर इसी को रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके बाउंस बैक शो करा और अब यहाँ पे आके जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब बाय द वे जो एक सिनेरियो हम देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं, या तो देखें अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है, करेक्ट करती है तो अपने इसी चैनल पे आके जो है सपोर्ट ले, सही है, या तो थोड़ा सा साइडवेज में कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। वीकली के ऊपर जो है वो जो चीज़ हमें नजर आ रही है वही नजर आ रही है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो छोटे टाइम फ्रेम्स के साथ साथ इसको भी देखना पड़ेगा थोड़ा, मार्केट अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो है वो यहाँ से फर्दर रैली करती हुई हमें मजीद नजर आ सकती है।
पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है यहाँ पे बाय द वे वो पेल की है। पेल में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये चार्ट आपके साथ जो है वो मल्टीपल टाइम्स शेयर किया जा चुका है। इनफैक्ट 3 से 4 महीने पहले हमने अपना व्यू शेयर करा था पेल के बारे में कि पेल के लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो है वो रिवर्सल एक्चुअली हो चुका है और इसका डाउन ट्रेंड अब अख्ताम को पहुंचा है और इसका अप ट्रेंड जो है वो अब शुरू होने वाला है। उसके बाद से पेल ने ऑलमोस्ट 8.5 रुपये का लो लगाने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150% रिटर्न जो है वो पोस्ट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 200% रिटर्न भी होने वाले हैं अगर ये 24 के लेवल्स को टेस्ट कर लेता है आने वाले टाइम में। तो बाय द वे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, एक तो लोअर हाईज लोअर लोस की फॉर्मेशन हो रही थी, तो मार्केट स्ट्रक्चर पे भी जो है वो इसका ब्रेकआउट हुआ और इसने जो है वो न्यूअर हाईज और हायर लोज बनाना शुरू करे। प्लस डाउन ट्रेंड यूजली जो जो रिवर्सल होता है वो ऐसे होता है कि डाउन ट्रेंड होता है उसके बाद साइडवेज होता है उसके बाद अप ट्रेंड होता है। तो साइडवेज का जब ब्रेकआउट दिया तो नया हाईज बनाने की तरफ ये चला गया। तो इस हवाले से भी इसके अंदर जो है वो हमने बुलिश एक्टिविटी देखी। प्लस कंसोलिडेशन भी इसकी हो रही थी यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो उस हवाले से भी बहुत क्रूशियल था। प्लस एक और सिलसिला जो था इसके अंदर वो फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट था, तो डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट था। तो दो कॉल्स ही हमारी, एक हमने कोर्स मेंबर्स को 9.5 के लेवल्स के करीब दी थी कि यहाँ पे आप इसको जमा करें, यहाँ से आपको एक मैसिव रैली के अंदर मिल सकती है क्योंकि फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जब इसने रेजिस्ट करा अपने इस रेक्टेंगल के अंदर तो फिर यहाँ से एग्जॉस्ट होकर थोड़ा नीचे आया, इसको रीटेस्ट करा था अपने इस फॉलिंग वेज को जो कि ब्लू कलर से हमने यहाँ पे वो करा हुआ है, तो इसको रीटेस्ट करा। उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक जब शो करा तो यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस की आनी थी, इसको ब्रेक करा यहाँ पे फंसा, फिर नीचे आके इसको रीटेस्ट करा, फिर ब्रेक करा, फिर इसको ही ब्रेक कर दिया, फिर रीटेस्ट करा और यहाँ पे भी हमारी कॉल थी प्रीमियम ग्रुप के ऊपर 13.5 रुपये में हमारी कॉल थी और 13.5 से अभी तक ये 21.5 तक की रैली हमें शो करता हुआ नजर आ चुका है। हम इनिशियली ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट करे, रिट्रेस करे 31.8%, 38.2% के बाद जो है अपनी रैली कंटिन्यू करे, बट इट हैज बिन ब्रेकिंग इट लेवल्स और यहाँ पे जो रेंज है इसके पास बहुत क्लीन है एंड वी कैन सी इट मूविंग टूवर्ड्स 22.7 to 22.23 लेवल्स इनिशियली। और ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन आ रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मे बी इवेंचुअली हम इसको यहाँ पे फंसा हुआ देख सकते हैं। अगर फंसा है तो सही है, नहीं फंसा तो ब्रेकआउट हो जाएगा और अपनी इस रैली को फर्दर कंटिन्यू करता हुआ ये नजर आ सकता है। सेकेंड स्क्रिप्ट बाय द वे जो है वो HBL की है। HBL की बाय द वे ओपन कॉल थी और ये तकरीबन 100-101 के लेवल्स पे हमने अपने अकाउंट होल्डर्स को जो है फोर्सफुली पिच करा था काफी और अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को भी इवन पिच करा था, उनके पोर्टफोलियो में शामिल करवाया था। उसके बाद हमने ये देखा है कि 101 से ऑलरेडी इसने 130 तक का मूव दे दिया है, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न इसने पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो है वो दे दिया। अब यहाँ पे जो इसके अंदर हो रहा था बेसिकली वो ये हो रहा था कि इसके अंदर कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई थी प्लस बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही थी। 101 से इसने 130 तक की रैली ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, जो हमारा एज पर फ्लैग जो टारगेट था वो था 136 to 140 का और वो हमें हिट होता हुआ बहुत जल्दी नजर आने वाला है। तो व्यू हमारा बुलिश है, हमें फर्दर इसके अंदर जो है वो अपसाइड नजर आती है यहाँ से। तीसरी स्क्रिप्ट जो हमारी है बाय द वे TRG का ये चार्ट है जो हमने थर्सडे को शेयर करा था। अब इसमें हो क्या रहा था बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहले तो फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही थी, उसके साथ साथ इसके अंदर कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी। कप एंड हैंडल यूजुअली बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब यूजुअली जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो उसके बॉटम पे ही बनता है और फिर इसके बाद रिवर्सल होता हुआ हमें नजर आता है। तो दो चीजें यहाँ पे हुई थी पिछले हफ्ते में, वो ये एक चीज तो ये हुई थी कि ये जो बिग ग्रीन कैंडल है अपर लॉक वाली जिसमें अपर लॉक लगा था इसमें ऑलमोस्ट वेंसडे को, तो वहां पे इसने ना सिर्फ अपने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था नंबर 1, नंबर 2 इसने अपने इस बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन जो कि अब रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी थी, इसको भी ब्रेक करा जो कि येलो से हमने आइडेंटिफाई करा हुआ है। प्लस उसके साथ साथ ये जो हमारी फॉलिंग वेज की रेजिस्टेंस आ रही है इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिखाई। तो थर्सडे को हमने ये व्यू शेयर करा था कि एज फार एज इंडेक्स इज ट्रेडिंग अबव दिस जोन, ये जो जोन हमने मैं एरो से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, TRG इज सेफ एंड मे बी पॉसिबली यहाँ पे हमें रीटेस्ट होता हुआ नजर आए एंड द पॉसिबिलिटी दैट वी कैन सी हियर इज कि अगर तो यहाँ पे सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो वी कैन सी इट बाउंसिंग बैक एंड गोइंग अपवर्ड्स। सही है, सो दिस दिस वॉज अ व्यू इन TRG और बाय द वे फ्राइडे को थोड़ा बहुत इसने इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट दी भी और इसको जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सस्टेन करने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक शो करा भी। जो इनिशियल टारगेट था इस केस में वो 93-94 का था, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो वी वर एंटिसिपेटिंग के अपने इस डिसेंडिंग चैनल से ये रेजिस्ट कर सकता है या तो ये 100 के लेवल से मूव करेगा। तो सेकंड मेजर टारगेट हमारा ये होना था और वंस ये ब्रेक होता तो थर्ड मेजर टारगेट हमारा 109 से 110 के लेवल्स के करीब था। सो दिस वॉज आर एंटिसिपेशन रिगार्डिंग TRG, इट्स स्टिल इंटैक्ट, हमारा व्यू बुलिश व्यू स्टिल इंटैक्ट है एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव दिस जोन। हो सकता है इसको रीटेस्ट करे उसके बाद जो है वो बाउंस बैक शो करके अपने इन टारगेट्स को ये हिट करता हुआ नजर आए। सो आर व्यू इज बुलिश बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और
कप एंड हैंडल की भी फॉर्मेशन हो रही है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका रीटेस्ट हो रहा है. सो आर व्यूज बुलिश और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है वेयर मल्टीपल सपोर्ट्स, वेयर मल्टीपल ब्रेकआउट्स, वेयर मल्टीपल रीटेस्ट आर बीइंग यू नो आर लाइंग. सो इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन हियर एंड गिव्स द एंड इफ इट गिव्स अ बाउंस बैक देन वी कैन सी इट मूविंग टुवर्ड्स इट्स फॉलोइंग टारगेट्स. थर्ड स्क्रिप्ट जो हमारी है बाय द वे, वो पिछले पिछले मेरे ख्याल से 2 वीडियो से जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मारी के बारे में जो हमारा व्यू है वो काफी बुलिश है. उसकी वजह बेसिकली ये है कि मारी कंसोलिडेट कर रहा था अपने इस पर्टिकुलर बुलिश फ्लैग पैटर्न में पिछले 3 सालों से, और इसका ब्रेकआउट इसने जब दिया तो इसने कॉन्फर्मेशन भी दी अपने ब्रेकआउट की जब इसने आके इसको रीटेस्ट करा, और रीटेस्ट करने के बाद इसने पिछले हफ्ते बाउंस बैक शो करा है, और पिछले हफ्ते इसने ऑलमोस्ट 21% 20.2% के गेन्स पोस्ट करे हैं, ऑलमोस्ट 350 रुपए से इसने जो है वो रैली करा है और अपनी इस इनिशियल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा है. तो जो व्यू है हमारा, हमारा व्यू ये है कि इसको अपने अपने पोर्टफोलियो में रखना है क्योंकि वीकली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, और जो हमारा टारगेट है इसका वो 2600 to 2700 है. सो यू वी आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से मजीद आपको 30% रिटर्न जो है वो मजीद देता हुआ नजर आ सकता है. तो इट्स अ हाईली पोटेंशियल, हाईली इट्स अ रियली रियली गुड कंपनी. अभी तक इसमें उस तरीके से री रेटिंग हुई नहीं थी. OGPPL में भी वी बिलीव के जिस तरीके से पूरी मार्केट री रेट हमें होती हुई नजर आई है, मुख्तलिफ सेक्टर्स री रेट होते हुए नजर आए, ऑयल एंड गैस इस तरीके से हुआ नहीं था. तो लास्ट वीक हमने OGPPL में रैली देखी, मारी में रैली देखी, इसको री रेट करते हुए देखा, फर्दर इसके अंदर जो है वो हम मूवमेंट देख सकते हैं. तो फंडामेंटली भी इसके अंदर ड्यू थी और अभी भी ड्यू है, और टेक्निकली भी वी हैव गॉट अ कॉन्फर्मेशन दैट दिस इज द टाइम यू नो दैट इट इट हैज गिवन इट्स ब्रेकआउट, इट हैज रीटेस्टेड इट्स ब्रेकआउट एज वेल. नाउ इट्स यू नो इट हैज पोस्टेड 20.2% गेन्स इन लास्ट वीक. तो आर व्यू इज बुलिश इन इट, और हमारा टारगेट 2600 to 2700 का है जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न का यूजली टारगेट होता है. फंडामेंटली एज वेल आर रिसर्च टीम जो है वो इसको बैक करती है. अगली स्क्रिप्ट बाय द वे जो हमारी है वो OGDC की है. OGDC को अगर आप देखें बाय द वे, तो OGDC अपने इस बेयरिश चैनल के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से, और इसके बाद इसने जो है वो इन लेवल्स के करीब आके जो है वो ब्रेकआउट दिया. अब यहाँ पे जरा नोटिस करिएगा कि OG हमें लास्ट वीक क्यों रैली करता हुआ नजर आया, और ये बाय द वे हमने अपने अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ शेयर करी थी. 107, 108 के ऊपर हमने एग्रेसिवली उनको कहा था कि इसको एक्यूमुलेट करें क्योंकि ये आपको रैली करता हुआ नजर आ सकता है. उसने लास्ट वीक में ही हमें ऑलमोस्ट 17 से 18 रुपये का जो है वो गेन दिया है. तो बाय द वे दो चीजें थी, एक तो इस डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट था प्लस रीटेस्ट था प्लस बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन थी. तो एज पर बुलिश फ्लैग पैटर्न जो हमारा टारगेट बन रहा था वो ऑलमोस्ट 130 का बन रहा था, और ऑलमोस्ट 130 के लेवल्स को ये अप्रोच करने अब जा रहा है. ऑलमोस्ट 125 का इसने 126 का हाईएस्ट पोस्ट कर दिया है. यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस भी है, इसको अगर ब्रेक कर देता है, इन लेवल्स को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो रेंज है इसके पास 155 तक की, ये बहुत क्लीन है. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, यू वॉन्ट सी सम मेजर रेजिस्टेंस हेयर. इसने हमेशा इस रेंज के दरमियान जो है बहुत स्मूथली रैली करा है. सो आर एंटिसिपेशन है इसके जो इनिशियल फ्लैग का टारगेट है इसका 130 का, वो हमें अचीव होता हुआ बहुत जल्द नजर आ सकता है, और एक दफा अगर प्लीज रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है 128-130 वाली, तो ये फर्दर रैली कर सकता है टुवर्ड्स 155 to 160 जो कि इसका एक लॉन्ग टर्म टारगेट होने वाला है. तो हमारा व्यू इसके हवाले से भी बहुत बुलिश है. ट्रेडिंग कॉल हमने शेयर करी थी और इन्वेस्टमेंट कॉल भी थी बाय द वे वो, जो हमने यहाँ पे कंसोलिडेट करवाया था, और मैसिव रैली इसने पोस्ट करी है लास्ट वीक में. अच्छी रैली इसने काफी पोस्ट करी है. यहाँ से भी गोइंग फॉरवर्ड हमारा व्यू बुलिश है, और हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो हमें फर्दर रैली करता हुआ ये नजर आ सकता है. जो लास्ट स्क्रिप्ट बाय द वे हमारी है यहाँ पे वो कैल की है. कैल में मैकडी क्रॉसओवर भी हो रहा था, RSI वाज आल्सो बुलिश. अच्छा, इसकी बाय द वे हमारी कॉल थी जब ये बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले जो फ्राइडे को उसका ब्रेकआउट हुआ था, हमने कॉल शेयर करी थी इसकी 3.3 पे, और इसका टारगेट शेयर करा था ऑलमोस्ट बुलिश फ्लैग पैटर्न का ऑलमोस्ट जो क्या रहा था 4.7 से 4.8 के दरमियान. उस वक्त बड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा था काफी लोगों को ये, पर इसने ऑलमोस्ट 4.7 का हाई पिछले हफ्ते में पोस्ट कर दिए, मैसिव रैली इसने शो कर दी है. अब यहाँ पे इसकी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है 4.75 से 4.85 के दरमियान. इसको अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके ऊपर भी जो हमारी रेंज है वो बहुत क्लीन है, बहुत स्मूथ है. तो जो टारगेट था हमारा जो कि ट्रेडिंग कॉल हमने शेयर करी थी वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट 4.7 के लेवल्स के करीब, और यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है और सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो अपनी इस रैली को ये फर्दर कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है. अब यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल कॉल्स पिछले 1 से 2 हफ्ते की मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ. बेसिकली 2 हफ्ते पहले हमने बैंक अल्फिला का ब्रेकआउट हुआ था, कप एंड हैंडल पैटर्न था प्लस बुलिश फ्लैग पैटर्न था, उसका हमने टारगेट शेयर कर रहा था इसका कि ये 56 हो जाएगा ऑलमोस्ट. तो ये हमारा टारगेट था बेसिकली. अगर आप यहाँ पे देखें ब्रेकआउट एट 41 हुआ था, बुलिश स्टैंड है हमारा ये, हमने अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ और अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करा था, और इसने मैसिव रैली पोस्ट कर ली है ऑलरेडी, और ऑलमोस्ट 49-50 के लेवल्स को इसने
पिछले हफ्ते में ही अप्रोच कर लिया था, तो हाँ इट्स ऑलरेडी हाफ ए थ्रू, मोर देन हाफ ए थ्रू, थोड़ी थोड़ी सी रेंज उसके पास अभी और है। ये डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल करता है तो हमारा टारगेट अल्टीमेटली हिट हो जाएगा। सेकेंड स्क्रिप्ट बाय द वे जो हमारी थी वो HBL की थी। HBL में हमारा व्यू बाय द वे ये था कि HBL लुक्स बुलिश एज वेल, और HBL में वी वर एंटिसिपेटिंग कि HBL का ब्रेकआउट हो गया 101 के ऊपर, और ये हमने अपने अकाउंट होल्डर्स का शेयर करा था कि ये अगर तो इसको ब्रेक करता है तो फर्दर रैली कर सकता है टुवर्ड्स 140 के लेवल्स। उस वक्त ये टारगेट बहुत बड़ा लग रहा था, 40% रिटर्न ऑलमोस्ट नजर आ रहा था, लेकिन 30% रिटर्न ने ऑलरेडी दे दिया है पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। 30 रुपये ऑलरेडी रैली कर चुका है, फर्दर 10 रुपये की इसके अंदर जगह है, तो ये अपने कप एंड हैंडल ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट को जो है वो हिट कर लेगा इवेंचुअली। HBL का बाय द वे अगर आप देखें तो HBL ने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने अपने एक काफ़ी बेहतर रैली, बेहतर किस्म की रैली इसने पोस्ट कर ली है ऑलमोस्ट, और 129-130 के लेवल्स को इसने अप्रोच कर लिया है। इसके अलावा बाय द वे ये हमारी कैल की कॉल थी जो हमने 17 नवंबर को शेयर करी थी, 3.25 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे हमने इसकी एक्युमुलेशन कॉल शेयर करी थी और ऑलमोस्ट 4.6-4.7 अभी आपके साथ शेयर करा है, ये हो गया, तो इट हैज़ गिवन रियली रियली गुड रिटर्न एज वेल। उसके बाद हमारी INIL की कॉल थी ऑलमोस्ट 121 के लेवल्स के करीब, वहाँ से इसने काफ़ी अच्छी रैली पोस्ट करी और ऑलमोस्ट इसने जो है वो अपने तीनों टारगेट्स को हिट कर लिया। BIPL की भी हमारी कॉल थी बाय द वे, 2021 के करीब हमने इसको एक्यूमुलेट करने का कहा था, दो टारगेट्स इसने अपने वहां से हिट कर लिया। CPPL की हमारी कॉल थी, तीनों टारगेट्स इसने हिट करे थे और कैप लगाया था। TRG की हमारे दोनों टारगेट्स हिट हो गए थे। उसके बाद हमारी PRL की कॉल थी, PRL ने भी अपने तीनों टारगेट्स हिट कर लिए थे, इनफैक्ट इसने बहुत मैसिव रैली पोस्ट करी है 25 के लेवल्स के बाद। इवेंचुअली अगली कॉल हमारी OJDC की थी, OJDC ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स पोस्ट करे और ऑलमोस्ट चारों टारगेट्स को इसने हिट कर लिया है, पांचवा टारगेट अभी 130 वाला स्टिल रहता है। इसका चार्ट बाय द वे आपके साथ अभी शेयर कर रहा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद हमने FFL की कॉल शेयर करी थी, FFL ने अपने तीनों टारगेट्स को जो है हिट कर लिया, फ्राइडे को उसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट शो करी थी लास्ट सेशन में। HBL की बाय द वे कॉल भी थी, चार्ट भी था, ये हमने शेयर करा था, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे दिए। SNGP की हमारी कॉल थी, SNGP ने अपने चारों के चारों टारगेट्स को जो है वो हिट कर लिया। सिनर्जी की हमारी कॉल थी, सिनर्जी ने अपने तीनों टारगेट्स को जो है वो इवेंचुअली हिट कर लिया। OJDC कॉल थी बाय द वे इसकी अगर आपने देखी हो तो चारों टारगेट्स हमारे हिट हो गए थे। तो ये कुछ कॉल थी हमारी लास्ट वीक से, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें हमारे अकाउंट होल्डर्स को, हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को मिले। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो नंबर आपके साथ मेंशन करा गया था इनिशियली, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।